कांग्रेस ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में बहरामपुर सांसद अधीर रंजन चौधरी का नाम लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में आगे बढ़ाया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक दिन पहले हुई पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी के इस पद को अस्वीकार करने के बाद चौधरी का नाम प्रस्तावित किया गया। चौधरी का नाम बंगाल कांग्रेस के मजबूत नेताओं में शुमार है। चौधरी ने कहा, मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है, मुझसे सामने खड़े होने के लिए कहा गया था। मैंने कहा, ठीक है, मैं पैदल सैनिक हूँ जो हमेशा सामने खड़े होते हैं, मैं भी पैदल सैनिक के समान लड़ूंगा। चौधरी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 3.56 लाख मतों से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में कांग्रेस को देश भर में केवल 44 सीटों पर जीत मिली थी। सदन के नेता के पद के लिए चौधरी के अलावा केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी, सांसद शशि थरूर, केरल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के सुरेश के नाम भी चर्चा में थे। पिछली लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, मगर इस बार वे चुनाव हार गए हैं। पहले इस पद के लिए राहुल के नाम की चर्चा थी। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को कोरम पूरा नहीं होने के कारण सदन में नेता विपक्ष का पद नहीं मिल पाएगा। पहले ऐसी अटकलें थीं कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता की जिम्मेदारी संभालेंगे, मगर उनके अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के प्रस्ताव के बाद इस पर संशय की स्थिति बन गई थी।